अक्षय, आप चांदनी चौक से हैं, दिल्ली से जी हैं, एंड बिल्कुल राजीव हरिओम भाटिया गली क्रिकेट खेलते थे। आपने एक बार मुझे बताया था कि पढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, योर डैड वॉज इन द आर्मी, यू वर इन अ जॉइंट फैमिली, तो फिल्म्स आ कहाँ से गई दिमाग में? फिल्म कहाँ से आ गई? एक्चुअली कहते हैं ना कि आपके कभी कभी दिन में ऐसा वक्त आता है कि आपके जुबान पर सरस्वती होती है। तो मुझे याद है कि जब मेरी पिटाई हो रही थी क्योंकि मैं फेल हो गया 7वीं कक्षा में, तो मेरे डैडी ने मुझे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था, और तभी अलाउड था बच्चों को मारना। और वैसे अच्छा भी रहता है कि बच्चों को दो चार लगाना जरूरी है, लेकिन आजकल के बच्चों, मतलब बेटे को अगर मैं यू भी कर दूं, डैड, ओके ठीक, ओके। तो खैर तब मेरे डैडी ने मुझे थप्पड़ मारा, बेटा तू फेल हो गया है, तू जिंदगी में करना क्या चाहता है? और मैं बहुत गुस्से में था, और मेरे मुंह से निकल गया मैं हीरो बनना चाहता हूँ, जबकि नामो निशान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। तो शायद उस वक्त मेरी, मतलब सरस्वती मेरी जुबान पे बैठी थी, और मैं अपने आप ही बन गया। कैसे बना, मतलब उसके लिए ये समय छोटा पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास मतलब करीबन 3.5-4 घंटे की मतलब कथा है मेरे पास उसके बताने के लिए कि कहाँ से कहाँ पहुंचा मैं।